हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बनाने वाले हैं हॉट डॉग, जो कि बच्चों का बहुत फेवरेट होता है और बहुत जल्दी भी बन जाता है। सबसे पहले मैं इसकी स्टफिंग तैयार करूंगी। स्टफिंग तैयार करने के लिए मैंने 1.5 कड़छी ऑयल लिया है, थोड़ा सा ज़्यादा, ताकि अच्छी से फ्राई हो जाए। सबसे पहले मैंने ब्रीक चॉप किए हैं अनियंस, उनको अच्छे से भून लूँगी। जितने हम प्याज अच्छे से भूनेंगे, उसका जो फ्लेवर है स्टफिंग का बहुत अच्छा आएगा। अब मैंने इसमें मसाले ऐड कर दिए, नमक, गरम मसाला, चाट मसाला, लाल कश्मीरी मिर्च, धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर और ऑरेगानो, पिज़्ज़ा सीजनिंग। अब इसमें मैंने मसाले ऐड कर दिए और इसको अच्छे से पकाऊंगी जब तक ये बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएंगे। ये देखो, प्याज अच्छे से भुन गया। मैंने इसमें 2 से 3 हरी मिर्च काटी थी, वो डाल दिए हैं। और मैंने आलू मैश किए हैं, हुए हैं, बॉयल किए थे पहले, अब इसको मैश कर दिया। ये 3 बड़े आलू हैं। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। ये देखो, ये आलू बन गए हैं अच्छे से। अब मैं इसमें धनिया ऐड कर दिया है और इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूंगी। अब मैं जो इसमें हॉट डॉग के अंदर जो मैं चटनी भरूंगी वो बना रही हूँ, उसके लिए मैंने 2-3 लिए हैं गार्लिक की कलियाँ और थोड़ा सा अदरक, 1 हरी मिर्च और 2 से 3 टमाटो। थोड़ा सा ऑयल लेके मैं इसमें मसाले ऐड कर रही हूँ, नमक, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, गरम मसाला। इसको भी मैं अच्छे से पकाऊंगी ताकि ये चटनी अच्छी बने। अब जब ये थोड़े से पक गए तो मैं इसमें पानी डाल के इसको थोड़ी देर ढक दूंगी। ये देखो, ढकने के बाद ये मसाले और ये टमाटर जो भी मैंने इसमें डाला था अच्छे से पक गए हैं। अब मैं इसको ठंडा करके ग्राइंडर में ग्राइंड कर लूँगी। और ये जो मैंने स्टफिंग बनाई है थोड़ी ठंडी हो गई है, अब मैं इसको रोल कर लूँगी हॉट डॉग में भरने के लिए। मैंने इसको पहले ही अच्छे से फ्राई कर लिया था तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये देखो, मैंने इसको ऐसे राउंड राउंड शेप दे के इसको लंबा कर लिया है। ये देखो, मैंने ऐसे बना लिया है। अब वो जो मैंने मसाला तैयार किया था उसकी चटनी मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड कर ली। और ये जो चटनी है इससे इसका जो फ्लेवर है हॉट डॉग का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब मैंने ऐसे काट लिया है हॉट डॉग को और इसमें जगह बना दी है थोड़ी सी, अंदर से उसमें से निकाल दिया ब्रेड थोड़ा सा। अब मैंने लिया है बटर और ये जो बन है हॉट डॉग, इसको मैं सेक लूँगी चारों तरफ से मीडियम लो से, मीडियम फ्लेम पे ही सेकना है, इसको जलाना नहीं है। ये देखो, बस इतना सेका है। अब मैंने इसमें सबसे पहले जो मैंने चटनी बनाई थी जिसमें गार्लिक, जिंजर और टमाटो मिर्च है, उसका जो इसमें लगा दूंगी चारों तरफ। इसका जो फ्लेवर है बहुत ज़्यादा अच्छा आता है इसमें। अब मैंने ली है थोड़ी सी टमाटो सॉस, वो लगा दूंगी चारों तरफ। और जो मैंने आलू बनाए थे रोल करके वो इसमें भर दूंगी। और अनियंस और टमाटोस इसके साइडों पे ऐसे लगा दूंगी, दोनों साइड। और अगर आप मार्केट में ऐसे खाने जाओ तो काफ़ी महंगा पड़ता है, और घर में अगर बनाओ तो बहुत सस्ते में यह बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। आप ट्राई कर सकते हो। आप इसमें और जैसे खीरा भी ऐड कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है। अब मैं इस पे थोड़ी सी मेयोनी लगा दूँगी और टमाटो सॉस, और ये खाने में थोड़ा सा ऊपर से मैंने गार्निश कर दिया धनिया, और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।